स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल करमीर में। आज हम DDC के अंतर्गत जो लिटरेचर वाला पार्ट है, जिसको 800 में, उसका हम अध्ययन करेंगे। और परीक्षा से पहले हमें किस तरह तैयारी करनी चाहिए, कौन से सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं वो। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो लैंग्वेज के ऊपर था। उसमें जो जो मुख्य वर्ग 400 था वो लैंग्वेज के लिए, और मुख्य वर्ग 800 वो लिटरेचर के लिए। तो आपके जो लैंग्वेज में जो इंग्लिश भाषा के लिए 420 थे, तो लिटरेचर में इंग्लिश के लिए 820 होंगे। जिस भाषा के लैंग्वेज में कोड 430 थे, उसी उसी भाषा के लिटरेचर के लिए 830 है। तो कोई फ़र्क नहीं है, बस सैकड़े का जो अंक है वो 400 की जगह 800 हो जा रहा, बाकी सेम ही थे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो दोबारा देख लें, वहाँ से प्रैक्टिस कर लें, तो आप सीधा आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे हिंदी भाषा के लिए 491.43 है, तो हिंदी लिटरेचर के लिए 891.43 ही वर्गांक होगा। अब ये इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ दोबारा। ये PDF थोड़ा उससे बड़ा है कि थोड़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें यहाँ से भी आ जाती है, मैं आपको ये बता दूँ। जैसे कलेक्शन ऑफ ड्रामा यहाँ था, ये कलेक्शन ऑफ ड्रामा के लिए सीधे यहाँ से वर्गांक ये 808 ये 82 है। उसमें आगे फिर और भाषा जोड़ते हैं, वो ड्रामा की है, कलेक्शन ऑफ फिक्शन की है 808.83, यहाँ से सीधे बन जाते हैं। ये आगे थोड़ा बड़े की है, लेकिन बड़ा सवाल आता था, लेकिन यहाँ के इतना आप लिख सकते हो, तो ज़रूर 1-2 नंबर मिल जाएंगे। ये हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर के लिए 809 है। ये डिसिप्लिन अलग अलग इस तरह ऐसी को लिटरेचर जो आइडियलिज्म को दिखाए या ह्यूमनिज्म को दिखाए, इस तरह से भी बड़े सवाल थोड़े आते हैं, वो 809 से यहाँ से लिए गए। आप 810 से स्पेसिफिक जो लिटरेचर्स हैं वो लिए गए हैं, 810 जो अमेरिकन इंग्लिश है उसके लिए, और 820 जो ब्रिटेन की इंग्लिश है उसके लिए। अब ये अगर आपको आ जाए सीधा पोइट्री लिटरेचर या ड्रामा, तो आपको सीधा 812 पोइट्री के लिए, 811 फिक्शन के लिए, 813 ये सीधा यहाँ से बन जाएगा। 820 जो इंग्लिश है, जो एंग्लो इंग्लिश यानी अंग्रेजों की जो ब्रिटेन की वो है, 810 जो अमेरिकन इंग्लिश है उसके लिए है। ये 820 जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है, जो वर्तमान अभी चल रही है उसके लिए। अब उसके बाद 822.33 ये विलियम शेक्सपियर की है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। काफ़ी सवाल इनसे हूबहू आ जाते हैं, दो पने क्या ही है, बाकी सवाल बहुत सारे आते हैं, इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊँ। जैसे इसका कोई बहुत सारे इनके ग्रंथ है, हेमलेट है, टेम्प टेस्ट है, कॉमेडी एरर्स है, तो उनके सीधे वर्गांक यहाँ पर पूछी जाती है, इसके लिए मैं आपको अलग से। अब यहाँ से कुछ सीधे भी आ जाते हैं कई बार सवाल, इंग्लिश एसेज तो आपको यहाँ से देख लेना, 824 है, और इंग्लिश फिक्शन 823 है, सीधे यहाँ से भी सवाल आते हैं। आगे हम चलते हैं, 830 जर्मन लिटरेचर की है, और जर्मन पोइट्री के लिए। अब यहाँ से पोइट्री ड्रामा, इसमें कोई भी कई बार सीधा यहाँ से पूछ लेता है, जैसे जर्मन ऐसे पूछ लिया था 834, जर्मन पोइट्री पूछ लिया था 831, सीधा सीधा यहाँ से सवाल पूछा जाता है। ये फर्सियन लैंग्वेज के लिए 839.2 है। डच लिटरेचर के लिए 839., बस फ़र्क ये है कि लैंग्वेज में 400 लगाना है और लिटरेचर में 800, बाकी कोड वही के वही है, सैकड़े का अंक जो बदल जाता है। अब ये दानिश लिटरेचर के लिए 839.8 है। अब 840 पे आते हैं हम, ये फ्रेंच लिटरेचर के लिए 840 है। ये उसके पोएट्री ड्रामा सारे दे रखे हैं, 850, 850 जो इटालियन की है, इटालियन लिटरेचर, 860 स्पेनिश लिटरेचर, 800 जो
70 है वो लेटिन के है, और 60 अरबी स्पेनिश स्पेन की जो भाषा है उनकी है। 880 है वो ग्रीक भाषा या ग्रीक लिटरेचर। अब 890 के बाद बाकी वाली वही सेम भाषाएं आ जाएगी, जैसे 891.1 जो इंडो भाषाएं हैं, 0.2 भाषाओं का साहित्य लिटरेचर, 891.2 यानी संस्कृत लिटरेचर, और 891.7 यानी रशियन लिटरेचर, इस तरीके से। और इसमें ये अब ये जो पॉइंट टेबल दी हुई है ये आपके जो लिटरेचर का जो पीरियड होता है उस पीरियड को दर्शाने के लिए, ये थोड़ा इससे हायर लेवल का, इसको अपन नहीं देखेंगे। अपन लिटरेचर का सीधा छोटा सा वाला, जैसे बंगाली लिटरेचर आ जाए या हिंदी लिटरेचर आ जाए, तो 891.43 हिंदी की है और 842.43 पंजाबी लिटरेचर। यदि लैंग्वेज आता, जैसे मान लो पंजाबी लैंग्वेज आती है तो 451.42, और हिंदी लैंग्वेज आती तो 891.43 हिंदी लैंग्वेज, और लिटरेचर के लिए 800 है। ये बंगाली के लिए, मराठी के लिए, ये ईरानियन के लिए 891.5 ईरानियन लिटरेचर। ये रशियन लिटरेचर, जो 400 में जो हमने देखी वही सेम चीज़ें, बस लैंग्वेज से लिटरेचर हो गया है। और इसमें कुछ हम सवाल देख लेते हैं आपको, वो मैं चीज़ ढूंढ कर ये बताऊंगा। जैसे पंजाबी लिटरेचर जस्ट अभी मैंने देखा 891.42 पंजाबी है, और 891.43 हिंदी की है। जर्मन लिटरेचर के लिए 830 है, लेटिन के लिए 870 है, सीधा ही है। जर्मन लिटरेचर के लिए 830 है, ये सीधा इसी से मिल जाता है। और आपकी जो किताब है वो बड़ी है, उसका PDF भी अगर नेट पे मिल रहा तो 1000 पन्नों से भी ज़्यादा का है लगभग। तो मैंने 400 का पार्ट अलग कर दिया, PDF बना दिया, 800 का पार्ट अलग है। तो आपको स्वयं अपने स्तर पर प्रैक्टिस करने में आपको सहूलियत रहे, उसी वजह से पहले साइबेरियन लैंग्वेज के लिए 894.6 आपको इसमें ढूंढने, ये मैंने सारे हल करके आपको बता दिया। आप स्वयं अपने स्तर पर इसी PDF से आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें तो आपको सारी चीज़ें वो समझ में आ जाएगी। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।